अपनी मांगों को लेकर जिला लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन कर रहे विकलांग प्रदेश के महामहिम राज्यपाल से करना चाहते थे मुलाकात, सौंपना चाहते थे ज्ञापन, लेकिन पुलिस ने नहीं मिलने दिया। बता दें कि अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर विकलांग जो है जिला लघु सचिवालय के सामने पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। और बता दें कि आज पानीपत में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे, जहां जब वो जिला लघु सचिवालय के सामने से गुजरे तो उन्हें वो तो जो प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम विकलांग उन्हें मिलना चाहते थे, उन्हें ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिस के कर्मचारी सुबह से ही उनकी घेराबंदी करके खड़े हुए हैं, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। आरोप लगे हैं पुलिस कर्मचारियों पर कि पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें महामहिम राज्यपाल से उनकी मुलाकात नहीं होने दी। वो उन्हें आज ज्ञापन सौंपना चाहते थे, अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहा आज प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने को लेकर और पुलिस द्वारा न मिलने देने को लेकर, वो आप खुद सुनिए। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सूचना नहीं गई है। उसी के लिए आज हमने हमारी 18 सूत्रीय मांगे है जो कई सालों से हरियाणा सरकार के बीच में अटकी पड़ी है। हरियाणा सरकार हमें आज तक आश्वासन देती रही है, लेकिन किसी भी विकलांग भाई का आज तक कोई समाधान नहीं किया गया। हमारा विकलांग भाई दर बदर धक्के खा के घूम फिर के वहीं बैठ जा रहा है। हम अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने विकलांग भाइयों की आवाज़ बनकर हमारी 18 सूत्रीय मांगे है। उनके रोजगार से BPL कार्ड से रिलेटेड कई ऐसे मांगे हैं जो हमारी अभी भी मांगे लंबित पड़ी हुई है। आज हम खुद सरकार से मांग करते हैं कि हमारी सुनवाई करे और जो हमारी मांगे हैं जो पड़ी है कभी पड़ी है उसको सिरे पर चढ़ाए। और हमारा एक एक्ट है 2016 का जो विकलांगों के हित में है उसको हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करें। और हमारे जितने भी विकलांग भाई हैं उनको BPL कार्ड और हमारे ठेकों पे हमारा 4% का आरक्षण हमें दिया जाए, हमारी नौकरी में हमारा आरक्षण किया जाए। और हमारी ऐसे कई मांगे हैं और हमारे निर्वाचन क्षेत्र में भी हमारा हम देखिए हमारे हम शांतिपूर्ण धरना दिए हुए हैं। हम राज्यपाल आए हुए हम उनका सम्मान करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन हम माध्यम राज्यपाल के माध्यम से भी यही अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं सरकार तक कि कैसे न कैसे हमारे सरकार तक।